वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, रक्षित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म यानी कि 777 चार्ली का जो टीजर है वो रिलीज हो चुका है। तो टीजर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पर उससे पहले रक्षित शेट्टी को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हम दुआ करते हैं कि आने वाले समय में उन्हें वो नाम, उन्हें वो पहचान मिले ऑल ओवर द इंडिया जो वो सही में डिजर्व करते हैं। क्योंकि रक्षित शेट्टी केवल एक एक्टर नहीं है, वो जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतने ही बेहतरीन फिल्म मेकर हैं। चाहे बात करें डायरेक्ट की, चाहे बात करें राइटिंग और स्क्रिप्ट की, हर एक चीज में उनका जो टैलेंट है वो सही में काबिले तारीफ है। तो ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हमारे इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। गिनती के एक्टर्स मिलेंगे आपको ऐसे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। तो ऐसे एक्टर्स को जरूर एक पहचान मिलनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उन्हें वो पहचान मिलके रहेगी। क्योंकि हम मान सकते हैं कि अगर कोई एक्टर है वो सिर्फ अपने जोन में काम कर रहा है, अपनी रीजनल भाषाओं के लिए ही सिर्फ काम कर रहा है, तो मान सकते हैं कि उसे वो पहचान मिलने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है। पर रक्षित शेट्टी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी सभी फिल्मों को एक पैन इंडियन फिल्म के तौर पे रिलीज करवाने की। उनकी पिछली फिल्म जो थी साउथ में सभी भाषाओं में रिलीज हो गई थी, पर हिंदी वर्जन में उन्हें कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई प्रोड्यूसर मिला नहीं, तो उनकी फिल्म अभी तक भी काफी सारी ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाई है। और उनकी ये फिल्म यानी कि 777 चार्ली यहां पर सभी भाषाओं में रिलीज हो रही है, उनके सभी भाषाओं के टीजर्स जो है आज रिलीज करवाए गए हैं। पर यहां पर भी एक चीज को देखकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि सभी साउथ इंडियन भाषा के लिए यहां पर प्रोड्यूसर्स मिल चुके हैं, पर यहां पर हिंदी वर्जन के लिए कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला है। जहां पर मलयालम वर्जन में यहां पे पृथ्वीराज सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं यहां पे तमिल वर्जन में कार्तिक सुबराज कर रहे हैं और तेलुगु वर्जन में नेचुरल स्टार नानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर हिंदी वर्जन के लिए कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला है। तो ये थोड़ी सी अभी भी दुख की बात है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस फिल्म को भी कोई ना कोई प्रोड्यूसर जरूर मिल जाए। तो बढ़ते हैं टीजर की तरफ और बात करते हैं टीजर के बारे में। वैसे तो टीजर में वैसे बहुत कुछ एनालाइज करने के लिए या फिर बहुत कुछ बताने के लिए तो था नहीं, पर एक वर्ड में अगर मैं बोलूं टीजर के बारे में तो बहुत ही प्यारा टीजर निकल के आया है। सच बता रहा हूं, जिस तरह से चार्ली के जितने भी सीन्स हमें देखने को मिलते हैं इस टीजर के अंदर, चाहे बात करें उसके एक्सप्रेशंस की, चाहे बात करें दौड़ने और भौंकने के सीन्स की, हर एक सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट हुआ है और देखकर पता चलता है कि उसे बेहतरीन तरीके से यहां पे ट्रेन किया गया है। और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा होता है जिसे सब भाषाओं में डब भी किया गया है, वो जो गाना है उसकी जो धुन है वो भी बहुत ही प्यारी है और सुनते हुए बहुत ही मजा भी आता है। तो यहाँ पे टीजर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीजर में साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे चार्ली जो है किसी की तलाश में है, अपने एक पर्पस को पूरा करने के लिए वो किसी को ढूंढ रहा है और इसी खोज में वो रक्षित शेट्टी के घर पे पहुंच जाता है जो यहाँ पे धर्मा नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो धर्मा के बारे में अगर मैं बात करूं यानी कि रक्षित शेट्टी के कैरेक्टर के बारे में, तो इस टीजर में उनके कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से चार्ली के ऊपर ही ये टीजर पूरी तरह से फोकस्ड है। पर आज से एक साल पहले, ठीक एक साल पहले, जब रक्षित शेट्टी का जन्मदिन था यानी कि 2020 में, वहां पर एक टीजर रिलीज करवाया गया था जहां पर लाइफ ऑफ धर्मा नाम से वो टीजर आया था। तो वो टीजर अगर आपको याद हो तो यहां पे रक्षित शेट्टी का जो कैरेक्टर है उसके लिए चार ही चीजें बोली जाती हैं, दारू, इटली, सिगरेट और फैक्ट्री। दारू, इडली, सिगरेट और फैक्ट्री, इन्हीं चारों चीजों के बीच में उसकी लाइफ चल रही होती है और उसके बाद उसके लाइफ में यहाँ पे चार्ली की एंट्री होती है। तो उसके बाद उसके लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं और किस तरह से वो समझ पाता है कि चार्ली को सही में किसी की मदद की जरूरत है किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, इन सभी चीजों को देखने में काफी मजा आने वाला है। और जब आप एक फिल्म में देखते हो कि जहां पर एक तरफ एक पेट है, एक एनिमल है जिसकी जिंदगी में एक कोई पर्पस है, एक गोल है, उसे पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा रहा है, वही दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित शेट्टी का कैरेक्टर है जिसे जिंदगी में कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ कमाना और खाने से मतलब है। तो ऐसे दो कैरेक्टर्स जब एक साथ मिलते हैं तो किस तरह की कॉमेडी क्रिएट होती है आप सभी ने काफी बार देखा होगा। तो ऐसी एक बेहतरीन कॉमेडी हम इस फिल्म से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी सीन्स यहां पे चार्ली के देखने को मिल रहे हैं, मैं साफ साफ बता सकता हूं कि जब हम इस फिल्म को देखने बैठेंगे पूरी तरह से इमोशनली इसके साथ कनेक्ट हो जाने वाले हैं। और यहां पर इसे जिस तरह से ट्रेन किया गया है उसके लिए तो मेकर्स की तारीफ करनी ही चाहिए। अगर आपने इनके ट्विटर हैंडल वगैरह देखे होंगे तो इन्होंने बचपन से ही पाल के बड़ा किया है, ट्रेन किया है, और वो जो ट्रेनिंग है साफ साफ यहां पे पर्दे पर नजर भी आती है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इस फिल्म में बॉबी सिम्हा भी आपको नजर आने वाले हैं, उनके पास भी एक पेट है। तो क्या कहानी रहेगी वो अभी तक पूरी तरह से यहां पे रिवील नहीं किया गया है, पर टीजर जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। रक्षित शेट्टी का जो लुक है वो भी काफी डिफरेंट है, एकदम पूरा रफ एंड टफ लुक नजर आ रहा है उनका, बिल्कुल वो नजर आता है कि उस कैरेक्टर में कोई होप, कोई गोल नजर ही नहीं आता है। तो उस कैरेक्टर को जब चार्ली मिलेगा तो किस
से उसकी लाइफ चेंज होती है वो देखने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। तो टीजर बहुत ही प्यारा निकल के आया है, टीजर हिंदी में भी आया है, प्लीज हिंदी टीजर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टीजर को लेकर। वैसे आपको ये टीजर ओवरऑल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यही तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।